प्रदेश के जनपद कानपुर नगर में नौकरी पर जा रही महिला की ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत। जी हां, नौकरी पर जा रही महिला की ट्रेन की पटरी पार करते वक्त हादसा हुआ। दादा नगर की लेदर फैक्ट्री में लेबरी का काम करती थी मृतक महिला। मृतक महिला का नाम सुनीता बताया जा रहा है। महिला के पति का नाम दिलीप बताया गया और 12 साल की बच्ची रांची में रहती है और पति ट्रक ड्राइवर था। बताया जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर था, दिलीप की मौत एक वर्ष पहले ट्रेन से कटकर हुई थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी। परिजनों से अलग बर्रा 8 में किराए के मकान में रहती थी मृतक महिला। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी झांसी रेलवे लाइन पर यह घटना घटित हुई। मेरा नाम संजय सोनी। ये कौन है आपकी? ये मेरी मामी की बहू है। अच्छा, कहाँ रहती हैं? बर्रा 8 में। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी बर्रा 8 में। इनके पति का क्या नाम? दिलीप कुमार। ये कैसे हुई है घटना? ये मतलब ये ड्यूटी करती है यहाँ पे लेदर कंपनी में। अच्छा, तो क्रॉस पार करते हुए वहाँ को जानकारी कैसे हुई? हमें फोन आया था कि ये मतलब क्रॉसिंग में गुजैनी बताया, गुजैनी सब्जी मंडी के पास कोई क्रॉसिंग है, वहाँ खत्म हो, तो हम लोगों को खबर आया। किसके साथ रहती थी? ये अकेले रहती थी। इनके हस्बैंड खत्म हो चुके, अभी क्रॉसिंग से ही कटे। कोई बेटा बेटी? एक लड़की है 12 साल की। वो कहाँ है? वो इस समय कराची में।